हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षता नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम अपना एक नर्सिंग का डिफरेंट जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट का हम जो बेसिक टॉपिक है आज अपनी वीडियो में लेने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें रिसर्च और मैनेजमेंट का एक अच्छा प्रपोर्शन एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, कुछ थोड़े ही नहीं, कुछ मात्रा में, जैसे 20 से 30 क्वेश्चन भी कई कई एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं रिसर्च से और मैनेजमेंट से। इसलिए इस पोर्शन को भी हमें छोड़ना नहीं है। तो हमें बेसिक जो आज इसका फर्स्ट जो टॉपिक है, सिर्फ बेसिक लूँगी। ठीक है, बट उससे पहले हमारा जो COVID-19 है आज के टाइम में, सो सबसे मुसीबत जो बनी हुई है, प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी है COVID-19 की। ठीक है, इसके बारे में हम 2-3 पॉइंट्स में आपको बोलना चाहूँगी। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होगा कि जो आज का सेंसिस है COVID-19 का, कितना हो चुका है इंडिया में, 433। ठीक है, ये कोई छोटी मोटा सेंसिस नहीं है। ठीक है, 433 जो पेशेंट्स हैं इंडिया में COVID-19 के अभी तक हो चुके हैं, और ये एकदम से बढ़े हैं। ठीक है, पीछे कल का और आज का डिफरेंस देखोगे, लगभग 100 से 150 तक का डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि जो COVID-19 है किस तरह से फैल रहा है, अगर हम ग्राफ की मदद से मैं आपको बताना चाहूँ तो ये इस तरह से, ठीक है, मीन्स एक पीक लाइन जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत धीरे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, एक होता है अगर हम इस तरह से बढ़ाएं, ठीक है, ये इस स्पीड से नहीं बढ़ रहा, एकदम से ये ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके अगर हमने आज के टाइम पे, या फिर इस टाइम पे जो अभी जो पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, इस समय पे कोई स्टेप नहीं लिया तो हमारा इसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, अभी जो डॉक्टर्स का क्या कहना है कि अगर इसी स्पीड से ये COVID-19 के पे जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ते रहे, इसका जो संक्रमण है बढ़ता रहा, तो इंडिया के हाथ में नहीं है, हमारे देश के डॉक्टर्स या फिर जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है उसके हाथ में नहीं होगा इसको कंट्रोल करने का। ठीक है, क्योंकि इस स्पीड से अगर बढ़ेगा तो ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर मैन पावर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है, सप्लाईज नहीं है, इतने हमारे पास किट नहीं है कि हम सबका टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर इसको, इस बीमारी पर को हमें कंट्रोल करना है तो हमारी इस जो स्पीड है इसकी COVID-19 की बढ़ने की, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़रूरी है घर पर रहना। ठीक है, आप सबको ये सुनिश्चित करना होगा, मन में एक संकल्प बनाना होगा कि हमें घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। गवर्नमेंट ने इतना बोला है कि लॉकडाउन कर दो, कर्फ्यू लगा दिया है। ठीक है, कुछ स्टेट्स पे, पंजाब पे, महाराष्ट्र पे, वो क्यों किया गवर्नमेंट ने कर्फ्यू क्यों लगाया, क्योंकि लोग सरकार की बातें नहीं सुन रहे, नज़रअंदाज कर रहे हैं। आज भी कई जगहों पर पार्टियाँ होती हैं, शादियाँ हो रही हैं। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर दो, ठीक है, स्थानांतरण कर दो, कुछ टाइम बाद आप उसको सेलिब्रेट कर लेना, किसी का बर्थडे बना लेना या फिर किसी की पार्टी इंजॉय कर लेना, क्योंकि ये टाइम क्या है, आपको अपनी सेफ्टी को देना है, आपको अपनी सेहत को देना है। क्योंकि अगर इस टाइम पे अगर आपने लापरवाही दिखा दी, वो आपके लिए भी खतरनाक होगा। ठीक है, आपके पड़ोसी को, आपके रिश्तेदार को, पूरे समाज को, पूरे कंट्री को वो नुकसानदेह होगा। तो हमें क्या करना है, इसी स्टेज पे इसको रुकना है, क्योंकि अगर थर्ड स्टेज पे एक बार कोरोना वायरस चला गया तो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्यों कह रही है कि आपको अपने घर पे रहना है, क्यों कह रही है, ताकि जो केसेस हैं वो ना बढ़े, जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है, जो मैंने पहला टॉपिक लिया था, वो टूट जाए। ठीक है, इन्फेक्शन की अगर चेन टूट गई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, अगर कोई वायरस नहीं पहुंचा तो क्या हो जाएगा, वो जो संक्रमण है, जो इन्फेक्शन है, वहीं पे रुक जाएगा, कुछ सीमित लोगों तक रह जाएगा, कुछ लिमिटेड पर्सन तक रह जाएगा। अगर लिमिटेड पर्सन तक रहेगा तो क्या होगा, तो हमारी ग्राफ कैसे बनेगी, इस तरह से। ठीक है, अभी इस तरह से जाके इस तरह से एक स्टैटिक जो पोजीशन है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ लानी बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आएगी, क्योंकि इन्फेक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है कुछ लोगों तक, ठीक है, अगर हमें नहीं, हमने कोई स्टेप्स लिए तो इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, हमारे नीड क्या है कि हमें इसको यहीं पे रोकना है, इसके ऊपर इसको नहीं जाने देना। और इसको ऊपर, इस लाइन को ऊपर कैसे नहीं जा सकती है, अगर हम अपने आप को घर पर ही रोक कर रखें, घर से बाहर ना निकलें।
ठीक है। तो अगर हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो केस लिमिटेड हो जाएंगे, सरकार के लिए आसान हो जाएगा इस इन्फेक्शन को डायग्नोज करने में, ठीक है, पता लगाने में किन किन लोगों को यह संक्रमण है, उनको ठीक करने में, और इस तरह से हम इस पर काबू ला सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपसे अपील करूँगी, ठीक है, कि आप अपने घरों पर ही रहें ताकि तभी हम इस जो है संक्रमण है, इस COVID-19 है का जो इन्फेक्शन है उसको हम कंट्रोल पा सकें। ठीक है, तो इसलिए मैंने आज को लिख भी दिया है, घर पर रहें कोरोना को भगाएं, घर रहें कोरोना को भगाएं, क्योंकि आज का ये जो हमारा बोलते हैं ना मूल मंत्र यही बन गया है। ठीक है, आपके जुबान पर यही होना चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा कारण ना हो। ठीक है, अगर बिल्कुल अगर आपकी जान पर ना आए तो आपको बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आज की जो हमारी बेसिक जो नीड है वो यही बन चुकी है। ठीक है, तो इसी के साथ अब आज का जो टॉपिक है मैनेजमेंट का वो स्टार्ट कर लेते हैं अभी। ठीक है, मैनेजमेंट का टॉपिक में सिर्फ आज हम जो बेसिक है जैसे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एक जगह मैं लिख देती हूँ, और इधर मैंने मैनेजमेंट लिख दिया है। ठीक है, इधर पहले से फैक्टर्स लिख दिए हैं कि इन फैक्टर्स के हिसाब से हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहते हैं और मैनेजमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, ये हमारे डिफरेंस फैक्टर हैं, डिफरेंस किस हिसाब पे हम कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले नेचर ऑफ वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि एक तरह के ओनर्स एक साथ मिलके, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का की पॉलिसी बनाते हैं, उसके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का काम कौन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है चलाने का काम, उसको उसके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स कौन सेट करता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा इसका जो मेन पर्पज़ है वो है डेवलप पॉलिसीज एंड गोल्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये कौन करते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करना। और मैनेजमेंट क्या है, जो भी ओनर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जिन जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं, गोल्स बनाए, ऑब्जेक्टिव बनाई हैं, उसको एक्शन में लेके आना, वो कौन करेगा, मैनेजर्स, जो मैनेजमेंट है किसी भी इंस्टीट्यूट की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हेल्प्स इन ब्रिंगिंग policies, goals and objective in action, goals, objectives in action। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इन goals, objectives को कौन पूरा करेगा, कौन अचीव करने में हेल्प करता है, वो मैनेजमेंट हेल्प करेगी। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ पॉलिसीज़ को बनाएगी, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेगी, बट इसको पूरा कौन करेगा, कौन करवाएगा, मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ फंक्शन, मींस टाइप ऑफ फंक्शन किस तरह का ये फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे सिर्फ इसने क्या डेवलपमेंट किया पॉलिसीज को और गोल्स को, तो हम इसको बोल सकते हैं डिटरमिनेटिव फंक्शन, डिटरमिनेटिव फंक्शन, सिर्फ डिटरमाइन करने का इसका काम है एडमिनिस्ट्रेशन में। और मैनेजमेंट में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जो भी पॉलिसीज बन गई, ठीक है, या फिर गोल्स बन गए, उनको कौन एग्जीक्यूट करेगी, उसको कौन एक्शन में लेके आएगी, मैनेजमेंट। फिर बाद नेक्स्ट आता हमारा स्कोप। ठीक है, इसका जो स्कोप है वो कहाँ पे है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिर कोई भी इंडस्ट्री है पूरी, उसके लिए क्या करेगी, डिसीजन लेगी। ठीक है, तो ये किसके रिस्पॉन्सिबल फॉर, responsible for whole enterprise or
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंटरप्राइजेज बोल सकते हो या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो डिसीजन लेगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन ऑफ होल एंटरप्राइज एंड ऑर्गेनाइजेशन। बट जो मैनेजमेंट है वो क्या करेगी, जो डिसीजंस है वो एक लिमिटेड फ्रेमवर्क के अंदर ही लेगी, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लिखेंगे टेक डिसीजंस ओनली इन देयर फ्रेमवर्क, डिसाइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स, डिसाइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उसको देखना है, उस सब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लेगी, बट जो मैनेजमेंट है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, उसको जो एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क दिया है, एक पर्टिकुलर जो डायरेक्शन दी है, उसी में वो अपने डिसीजन ले सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी है, उसके जो भी और इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या डिफरेंट जो स्ट्रीम्स हैं, जैसे कुछ नर्सिंग की हो गई, कुछ लॉ है और कुछ इंजीनियरिंग है, तो ऐसी तरह के कई डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन सभी डिपार्टमेंट के डिसीजन लेंगे, बट जो मैनेजमेंट है वो हर डिपार्टमेंट का अलग होगा, ठीक है, हर डिपार्टमेंट का अलग होगा। तो जैसे नर्सिंग का जो डिपार्टमेंट है उसके जो डिसीजन है वो नर्सिंग डिपार्टमेंट लेगा, ठीक है, उसका जो मैनेजमेंट है वो लेगा, वो लॉ का जो डिपार्टमेंट है उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ठीक है। तो मींस जो मैनेजमेंट है वो अपने ही फ्रेमवर्क के अंदर डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, ये इसका स्कोप है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी जो उसका ऑर्गेनाइजेशन उसके अंडर वो सबके लिए डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ स्टेटस, नेचर ऑफ स्टेटस में क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें इट कंसिस्ट ऑफ ओनर्स, ठीक है, ये ओनर से बना होता है, कंसिस्ट ऑफ ओनर्स, ठीक है, जो क्या करेंगे पैसा लगाएंगे और वहां से उस ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉफिट लेंगे, ठीक है, ओनर्स हु फंड या फिर गिव मनी टू ऑर्गेनाइजेशन एंड गेन, हु फंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इस तरह का इसका नेचर होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। और मैनेजमेंट का काम कुछ नहीं है, मैनेजमेंट का प्रॉफिट लेना नहीं होता, उसको सिर्फ क्या है जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं उस एडमिनिस्ट्रेटर्स के ओनर्स के, उसको ही पूरा करना होता है, ठीक है, फुलफिल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये मैनेजमेंट का काम होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करवाना होता है। और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना होता है कि वो सिर्फ पैसा लगाएगी और उस ऑर्गेनाइजेशन से उसको प्रॉफिट लेना होता है, ठीक है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड गोल्स, हमने ये लिखा था पहले, तो मेन फंक्शन भी इसी तरह का होगा। इसका मेन फंक्शन होगा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, इवेंट्स को या फिर कोई भी एक्शंस को प्लान करना या फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, वो किसका काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का, कि किसी कोई भी इवेंट या फिर कोई भी एक्टिविटी किस तरह से प्लान होगी, किस तरह से ऑर्गेनाइज होगी, ठीक है, वो प्लान आउट करना, प्लानिंग करना किसका काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का। और मैनेजमेंट का क्या काम है, सिर्फ जो इन्होंने प्लान कर दिया ऑर्गेनाइज करना, उसको क्या आप करना है, उसको कंट्रोल करना है, कंट्रोलिंग एंड मोटिवेटिंग, मीन्स जो ओनर ने, ठीक है, जो ओनर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उस जो
किसी भी काम के लिए जो प्लानिंग कर हो चुकी है, ऑर्गेनाइज जो सेटअप है वो हो चुका है, ठीक है, अब उसको क्या करना है, मैनेजमेंट को सिर्फ कंट्रोल करना है कि ताकि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को पूरा किया जा सके, उसके जो भी गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं सेट किए गए हैं वो पूरे किए जा सकते हैं, उस एक्टिविटीज़ को फिर गोल को ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए वो वर्कर्स को क्या करेगी, मोटिवेट भी करेगी, ठीक है। तो पहला फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करने के बाद ही मैनेजमेंट अपना काम करती है ताकि जो भी अल्टीमेट इनका गोल है, पॉलिसी है, उसको वो पूरा कर सके, ठीक है। तो एबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो ओनर्स हैं उनमें क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव जो एबिलिटीज़ होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़ होंगी, नॉट टेक्निकल, ठीक है, इनके पास जो टेक्निकल है किस तरह से काम होगा, जो किसी भी काम को कितने स्किलफुली करना है वो इनको नहीं पता, बट इनके पास क्या है, प्लानिंग करने की एबिलिटीज होती है, ठीक है। इनके पास कंसेप्ट होता है कि कोई भी जो है काम है या कोई भी जो एक्टिविटी है उसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, तो सिर्फ ये अपना माइंड लगाते हैं, ठीक है, जो किस तरह से पूरा करना है, जो टेक्निकल एक्टिविटीज़ हैं वो कौन करता है, मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या होती हैं, टेक्निकल एबिलिटीज़ इनके अंदर होती हैं, टेक्निकल एबिलिटीज़, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल जो एबिलिटीज़ हैं वो अगर मैनेजमेंट में होगी तभी गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। और इनके पास कौन सी होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़, ठीक है। लास्ट आपका बचता है डिसीजन मेकिंग, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर का जो डिसीजन है, ठीक है, मैंने बताया ना आपको कि जो डिसीजन पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ओनर्स, ठीक है, तो उनके जो डिसीजंस हैं वो किसकी बेस होते हैं, बेस पर होते हैं, वो होते हैं सोसाइटी के या फिर पब्लिक की ओपिनियन पर, पब्लिक ओपिनियन या फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं उसके ऊपर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने पॉलिसीज़ को बनाएंगे, गोल सेट करेंगे, या फिर पब्लिक की जो रिलीजियस व्यूज़ हैं या फिर उनका जो कल्चर है उनको सबको देखते हुए वो अपने क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, क्योंकि अगर वो पब्लिक के जो रिलीजियस हैं कल्चर है उनके खिलाफ हो के अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, अपने गोल्स निर्धारित करेंगे तो वो उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट जो हमारे जो नीचे ग्रास लेवल पे हैं जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, वो किसके ऊपर काम करते हैं, वो पब्लिक के थ्रू ही काम करते हैं, पब्लिक के ऊपर काम करते हैं, वहीं से प्रॉफिट गेन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमारे बनते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, गोल्स हमारे बनते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो पब्लिक के ओपिनियन के हिसाब से बनते हैं, रिलीजियस के जो उनके पॉइंट हैं उनके हिसाब से बनते हैं, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो अगर उस एरिया में बने जहाँ पे वहाँ की जो एजुकेशन स्टेटस है बहुत लो हो, इलिटरेसी वहाँ पे इलिटरेट लोग ज़्यादा हों, तो अगर उस एरिया में वहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट खोला जाए, ठीक है, तो वो क्या है अच्छा इंस्टीट्यूट रन होगा, ठीक है। और एक एरिया हो जहाँ पे वो इंस्टीट्यूट बहुत सारे हों, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वहाँ पे अगर ओपन किया जाए तो वहाँ पे उसका इंस्टीट्यूट इतना अच्छा नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबकी ओपिनियन या फिर जो भी पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक का जो कस्टम है, कल्चर, उसको ध्यान में देते हुए ही एडमिनिस्ट्रेशन अपने डिसीजंस लेता है, बट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, मैनेजमेंट का काम कुछ नहीं है, जो भी उसकी ये मैनेजमेंट में जो उसकी डिसीजंस है, ठीक है, वो कौन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओनर्स के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड ऑन ओनर डिसीजंस, ठीक है, इसके अपने खुद के डिसीजन नहीं होते, ठीक है, वो भी किसके, जो ओनर ने डिसीजन लिया उसके अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजंस बनाता है, ठीक है। तो ये इसके मेन जो डिफरेंस है, क्योंकि हमें कंफ्यूजन होती है कि मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए तभी हम इसको मैनेजमेंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेज मोटे तरीके से अगर बताया जाए तो सबसे पहला काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ प्लानिंग करता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को, उसको जो एक्शन में कौन लेके आएगा, मैनेजमेंट,
ठीक है, तो इसी तरह से हम इसका डिफरेंस को पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ठीक है वो डिस्कस करेंगे। आज के क्लास इतने ही। थैंक यू सो मच।